डेज वेलकम टू वेदिशी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा, जिसके लिए लिया है मैंने ब्रेड। ये मैंने नॉर्मल सैंडविच ब्रेड ली है। मैं इन्हें निकाल देती हूँ और इन्हें बीच से काट कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इन्हें कट कर लिया है। आप चाहे दो दो तीन तीन ब्रेड करके कट कर सकते हैं। अब हम चाशनी बनाने के लिए एक पतीले को रखते हैं। इसमें मैं 3/4 कप पानी यूज कर रही हूँ। जितना पानी उतनी चीनी होनी चाहिए। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी घुलना शुरू हो चुका है। हमें इसमें एक तार की चाशनी बनानी है। ये लगभग 2 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। उबाल आना शुरू हो चुका है। ये देखिए हमारी चाशनी में उबाल आना शुरू हो चुका है। हमारी चाशनी अब तैयार हो चुकी है। मैं आपको तार दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। आप 2 उंगलियों में चाशनी लीजिए और ऊपर की तरफ कीजिए, तो उसमें आपको तार दिखाई देंगे। देखिए इसका मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम ब्रेड को सेक लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई में घी लिया है। आप चाहें तो तवा पे कर सकते हैं, बट कढ़ाई में बहुत अच्छे से होता है। मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये बहुत क्रिस्पी हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए पक चुकी है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए मैंने सारी ब्रेडों को सेक लिया है। अब मैं इसे चाशनी में भिगोऊंगी। बस मुझे नॉर्मली इसमें डाल के चम्मच से हिला देना है। ये देखिए ब्रेड सारी चाशनी अब्सॉर्ब कर लेती हैं। इसी तरह हम सारी ब्रेड पर चाशनी लगा देते हैं। ये देखिए मैंने सारी ब्रेड पर चाशनी लगा दी है। ये मैंने दूध को आधा घंटा उबाल के लगातार चलाते हुए रबड़ी बनाई है। मैंने कुलचन वाली रबड़ी यहाँ यूज़ की है। हम इसे ब्रेड के ऊपर लगा देते हैं। ये मैंने एक ब्रेड ली है, अब हम इसके ऊपर रबड़ी लगा रहे हैं। हमें इसे अच्छे से कोट कर देना है। फिर हम सारी ब्रेड पे रबड़ी लगा देंगे। ये लीजिए हमारा शाही टुकड़ा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता लिया है। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। हम इन्हें अच्छे से डाल देते हैं। ये लीजिए हमारे टुकड़ा तैयार हो चुका है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं।